हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं समन्वयन संख्या। ठीक है दोस्तों, समन्वयन संख्या। ठीक है, हम ठोस के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ठोस का चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, लगभग ये अंतिम चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बिंदु दोष पढ़ाएंगे, बिंदु दोष के बाद चुंबकत्व का गुण पढ़ाएंगे, इसके बाद अंतिम चैप्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। आप यदि ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाकर से 8 से 9 वीडियो डाले हुए दोस्तों, 8 से 9 वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, समन्वयन संख्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। समन्वयन संख्या दोस्तों, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है जो किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, जालक से मिलकर बना होता है। जालक बिंदु क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो उनके रचक घटक होते हैं। कोई भी क्रिस्टल जिन रचक घटक से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। जैसे कोई क्रिस्टल है दोस्तों, इसमें कई सारे क्या है, जालक बिंदु है। इन जालक बिंदुओं से मिलकर ही क्या बनता है दोस्तों, क्रिस्टल बना होता है। ठीक है, अब समझिएगा, अब आपको क्या हम बताने वाले हैं, किसी भी जालक में कोई भी परमाणु, किसी भी जालक में, क्रिस्टल जालक में कोई भी परमाणु अपने कितने पड़ोसियों से घिरा हुआ है दोस्तों, अपने कितने पड़ोसियों से घिरा हुआ है, और उन पड़ोसियों की संख्या मतलब उन बिंदुओं की संख्या या उन परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है दोस्तों, समन्वयन संख्या। हमने क्या बताया, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है किससे मिलकर बना होता है, जालक बिंदु से मिलकर बना होता है। जालक बिंदु क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक इकाई रचक घटक। कहने का मतलब जिस इकाई से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। और क्रिस्टल में क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टल जालक क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्रिस्टल जालक में होता क्या, बिंदु होते हैं, परमाणु होते हैं, और परमाणु अपने चारों ओर जितने परमाणुओं से घिरे होते हैं, कोई एक परमाणु है और अपने चारों ओर जितने परमाणुओं से घिरे होंगे उनकी समन्वयन संख्या कहेंगे। दोस्तों हमने बताया था आपको वर्गाकार, जैसे बताया था निविड़ संकुलन, षड्भुजाकार, निविड़ संकुलन, तो वर्गाकार में 6, षड्भुजाकार में सॉरी वर्गाकार में 4 और षड्भुजाकार में 6। दोस्तों जैसे हमने बताया था आपको इस प्रकार से कि आपके पास सेफ गोला आकार है, इनके नीचे और एक गोले हैं दोस्तों, इनके नीचे और एक गोले हैं, ये 4 से मिलकर बनता है दोस्तों। कैसे, ये 4 से मिलकर, कौन कौन सा 4 होता है दोस्तों, एक ये होता है और एक ये होता है और एक ये होता है दोस्तों और एक ये होता है, इसकी समन्वयन संख्या दोस्तों। आप समझेंगे कि ये तो ये इनको छूता नहीं है, केवल इनके 4 गोले ही क्या करते हैं, इसको टच करते हैं, इसलिए इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी। यदि 6 गोले टच करते हैं, कैसे 6, अब इसको देखें, यदि समझ में ना तो इसको पुनः एक बार, कैसे समन्वयन संख्या इसका हमने निकाला, बड़े गोले बना रहे हैं आपके पास, ये देखिए बड़े गोले बनाने का मतलब है आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, ये गोले बन गए आप। अब इस गोले को आप यहां पर लीजिए, इसको उठा लीजिए, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, तो एक ये गोला टच कर रहा है ऊपर वाला, एक ये गोला टच कर रहा है, एक ये गोला और एक ये गोला। तो दोस्तों ये क्रिस्टल जालक था, क्रिस्टल जालक में एक परमाणु है आपके पास, और परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ है उसकी वो समन्वयन संख्या कहलाती है। समझ में आया दोस्तों, नहीं आया तो आप बताइएगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो। अब दोस्तों ऐसे ही हम देखते हैं षटभुजी वर्गाकार निविड़ संकुलन। षटभुजी में क्या होता है, ये गोले होते हैं, ये गोले हैं, गोलों के बीच में और गोले होते हैं, देखिए गोलों के बीच में, ऊपर भी बीच में, ये हो गए दोस्तों। अब दोस्तों इस गोले से कितने गोले टच कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना, 6 गोले टच कर रहे हैं। देखिए और कहीं से टच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, केवल और केवल 6 गोले टच कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, किसी भी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने कितने पड़ोसी परमाणु से घिरे हुए हैं, उन पड़ोसी परमाणुओं की संख्या ही उस परमाणु का क्या कहलाता है दोस्तों, समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों NaCl की बात करें, दो ऑब्जेक्टिव याद कर ले, इसमें समन्वयन संख्या किसका अनुपात होता है, 6:6, और CsCl में दोस्तों इसमें होता है रेशियो एड, मतलब 8:8। इन दोनों को आपको तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ऑब्जेक्टिव कवर कराऊंगा तो फिर बताऊंगा NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात कितना होता है, 6:6, और CsCl में कितना होता है दोस्तों, 8:8। ठीक है दोस्तों, समन्वयन संख्या मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है, समझ में आया हो तो भी बताइएगा, ताकि मैं क्या है कि और वीडियो बना सकूं इसे संबंधित, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। और वीडियो जो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।